सीजीटेट 2024 पेपर 2 विषय गणित एकदम सटीक उत्तर हल सहित। तो आपका पहला प्रश्न है, सीखने के एक विशेष तरीके को किसने बैंकिंग मॉडल का नाम दिया? इसका उत्तर है पाउलो फ्रेरे। दूसरा, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम जिस तर्क का उपयोग करते हैं वह है निगमनिक तर्क। तीसरा प्रश्न है, एक रचनावादी कक्षा में क्या अपेक्षित है? इसमें आएगा आपका क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी करें, खुलकर विचार विमर्श करें। तो इसका होगा ऑप्शन बी, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि Q, W, N और Z क्रमशः परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांकों के समुच्चय को प्रदर्शित करते हो तो संख्या पद्धति को सीखने के लिए उचित क्रम होगा? तो इसका ऑप्शन ए सही है, पहले प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, एक बच्चे के गणित सीखने के संदर्भ में सीखने के मॉडल में कौन कौन सी बातें सम्मिलित होनी चाहिए? इसमें आएगा आपका सीखना क्या है की समझ, बच्चे कैसे सीखते हैं की समझ, विषय वस्तु की प्रकृति। तो ए बी डी, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आगे देखिए अगला प्रश्न, इसका सॉल्यूशन है, जैसे आपका ये प्रश्न है 2² + 4² + 6² + ……b² तो इसका जो फार्मूला होता है योग बराबर n n+1 n+2/6। तो ये फार्मूला हो गया। अब लास्ट में कितना है 20, तो n के बदले आपको 20 रखना है, तो ये 20 हो गया, फिर 20 + 1 20 + 2/6। तो फार्मूला में n का मान 20 रखेंगे तो ये हो गया आपका 20 20 = 21 और 20 2 = 22/6। इसको कटा देंगे आप जैसे 3 से, तो ये 3 7 21 हो जाएगा, 3 2 6, तो यहाँ पर हो गया 7/2। 20 और 22 वैसे ही है, फिर ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 20, तो 10 × 7 × 22, तो इसका गुणा करेंगे तो 1540 इसका सही उत्तर है। आगे देखेंगे, श्रेणी 1/2 + 3/4 + 7/8 + 15/16 … प्रथम n पदों का योग। तो ये आपका है कक्षा 11वीं में है, 11वीं गणित में गुणोत्तर श्रेणी का सवाल है। तो जैसे ये 1/2 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 − 1/2, तो उसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। वैसे 3/4 को आप 1 − 1/4 लिख सकते हैं, तो ये 3/4 हो जाएगा। जैसे ये 1 − 1/2 है ना, तो ये 2 1 2 2 में से 1 घटा 1/2 ऐसे। वैसे ही आप 7/8 को 1 − 1/8, 15/16 को 1 − 1/16 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपका होगा, देखिए सब में 1 1 1 है, तो 1 1 1 को पहले लिख लेना प्लस n पदों तक। अब सब में −1/2 −1/4 −1/8 −1/16 है, तो माइनस को कॉमन निकाल देंगे तो सब प्लस हो जाएगा। तो 1/2 1/4 1/8 1/16 को अलग कर देंगे। अब जिसमें 1 1 1 n पदों तक रहता है तो उसको लिखते हैं n, बीच में है माइनस। अब यहाँ से गुणोत्तर श्रेणी हो गया, इसमें आप 1/2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो पहला वाले को a मानते हैं तो a बराबर 1/2 हो गया। फिर इसमें r का मान निकालते हैं तो दूसरा से पहला को भाग देते हैं, तो 1/4 से 1/2 को भाग देंगे। अब भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे, तो 2 1 2 2 2 4, इस प्रकार 1/2 आएगा। किसका मान? r का मान। तो r का मान अगर 1 से छोटा है उसका अलग फार्मूला होता है, और आर का मान 1 से बड़ा रहता है तो अलग फार्मूला होता है। तो यहाँ पर 1/2 क्या है, 1 से छोटा है, मतलब आर छोटा है 1 से। तो ये इसका फार्मूला है SN = (a)(n)(1 − r)/(1 − r)। अब a के बदले 1/2 लिखेंगे और r के बदले भी 1/2 लिखेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला में आपको रख देना है, तो ध्यान से देखिए, ये a के बदले 1/2, 1 का 1 − r के बदले 1/2 घात में n, फिर नीचे में 1 का 1, r के बदले 1/2, 1/2 वैसी है, ये 1 का 1। अब 1 में कुछ भी घात लगाओगे वो 1 ही रहेगा, तो 1 की घात n = 1 ही रहेगा। फिर उसके बाद 2 की घात n हो जाएगा ये, और नीचे में हल करेंगे तो 2 1 2 2 में से 1 गया 1/2। तो यहाँ से 1/2 1/2 कट जाएगा,
तो वन माइनस, अब नीचे का दो की घात एन है, इसको ऊपर लेके आएंगे तो घातांक के नियम से ये एन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, इसका आ गया वन माइनस दो की घात एन। अब पहले से यहाँ पर क्या है, एन है, यहाँ पर ये पहले से एन है, तो यहाँ पर इस एन को लिखेंगे तो एस एन बराबर हो जाएगा। ध्यान देखेंगे पहले से एन था, वन वाला आया था, इसका उत्तर ये है, और बीच में माइनस, तो माइनस और गुणा करेंगे तो ये माइनस वन हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस प्रकार एन माइनस वन प्लस दो की घात माइनस एन इसका उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे, ये है आपका 9 की घात n गुणा 3 की घात 2 गुणा 3 घात n माइनस 27 की घात n, ये प्रश्न है आपका। तो 9 है उसको आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 तिया 9, n पहले से है, ये तो वैसा ही है, ये भी वैसा ही है। ये 27 को आप 3 की घात 3 लिख सकते हैं, मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27, तो पहला और लास्ट को बदल दिए हैं, बाकी सब सेम है। वैसे ये 27 को भी 3 की घात 3 लिख सकते हैं। अब ध्यान से यहाँ पर देखेंगे आप, ये 3 की घात 2n और 3 की घात n, तो यहाँ पर क्या है, आधार समान है तो घात जुड़ता है, तो 2n और 1n 3n गुणा, फिर ये 3 की घात 2 वैसा ही रहेगा, ये भी वैसा ही रहेगा, बाकी सब सेम है। अब यहाँ पर कॉमन निकालेंगे तो 3 की घात n, 3 की घात n कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 की घात 2 और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1, बाकी सब सेम है। अब ये 3 की घात 3n वैसा ही है, 3 का स्क्वायर मतलब 9 होता है, और 9 में से 1 घटाएंगे 8, बाकी सब वैसा ही है। यहाँ पर 2 की घात 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसा लिख सकते हैं। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो 8 और 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इतना बच गया 3 की घात 3n बटा 3 की घात 3m बराबर, ये वैसा ही है। अब इसमें क्या है, घातांक के नियम से तो ये 3m ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आधार समान है 3 को एक बार लिखेंगे, वैसे 3 की घात 3 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, घातांक के नियम से वो 3 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो आधार समान है तो घात भी समान होता है, तो इसको लिखेंगे 3 की घात 3m बराबर माइनस 3, इसमें 3 का भाग दिए हैं, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो यहाँ n माइनस m बराबर माइनस 1, माइनस को गुणा कर देंगे तो ये प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो उत्तर आ गया m माइनस n बराबर 1। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्या एक संख्या की क्रमशः 20% एवं 50% है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो मान लेते हैं हम तीसरा संख्या जो एक संख्या बोल रहा है उसको मान लेंगे 100। अब क्या बोल रहा है, पहला संख्या उसका 20% है, 100 का 20% 20 होगा, तो पहला संख्या 20, फिर 100 का 50% 50 होगा, तो दूसरा संख्या 50। अब प्रश्न में बोला है पहला संख्या दूसरा संख्या कितना प्रतिशत है, तो पहला संख्या हो गया आपका 20, दूसरा संख्या हो गया 50 और गुणा 100, तो इस प्रकार 50 एकम 50, 50 दूनी 100 और 20 दूनी 40, तो 40% इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, 2 प्लस 7x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x घात 3 बटा 1 प्लस 2x, तो इसको जमा के लिख देंगे, 2x घात 3 को पहले लिख दिया हूँ, ये 7x इसको जमा के लिख देंगे, 2x घात 3 प्लस इस 7x स्क्वायर लिख देंगे प्लस 7x प्लस 2 ऐसे जमा के लिखेंगे, तो 2x घात 3 वैसा ही है, जो 7 है उसको तोड़ देना है, 6x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 6 और 1 7, वैसे ही जो 7x है उसको तोड़ देना है, 4x प्लस 3x। अब यहाँ पर इसको जमाएंगे, 2x घात 3 प्लस 6x स्क्वायर और इसमें से ले लेंगे 4x, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 को अलग कर देंगे। अब यहाँ से कॉमन निकाल देंगे इन तीनों में से, तो 2x कॉमन निकलेगा तो इसमें बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 तीन 6 तो 3x और इसमें 2, यहाँ से 1 कॉमन निकाल देंगे, तो इस प्रकार ये दोनों एक जैसे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को एक बार लिखेंगे, इसमें बचा 2x और इसमें बचा 1। तो देखिए यहाँ पहले से बटा में क्या था 1 प्लस 2x, तो उसको नीचे में लिख देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसका उत्तर है। तो आपको ये सिंपल याद रखना है, गुणनखंड में तोड़ना है फिर इसको कटा देना है, वही क्या है इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर
इसमें क्या करना है आपको, 2x + 3y बराबर 8 दिया है, xy बराबर 2 दिया है और 8x3 + 27y3 का मान निकालना है। तो यहाँ आपको फार्मूला लगाना है a + b^3 का। इसका फार्मूला होता है a³ + b³ + 3ab + a b। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए सेम ये 2x + 3y है, 2x + 3y पूरे घात इसको 3 कर देना है। तो a का मान हो जाएगा 2x और b का मान हो जाएगा 3y। तो ये जो फार्मूला है ना, a के बदले 2x रखेंगे, b के बदले 3y रखेंगे, तो ये बन जाएगा। तो ये फार्मूला मान रखा हूँ तो 2x³³, 3y³³, ये 3 हो गया, a के बदले 2x और ये 3y यहाँ फार्मूला में रखना है। फिर a + b, तो a के बदले 2x, b के बदले 3y। यहाँ 2x + 3y बराबर 8 दिया है, तो 8³ हो जाएगा, तो ये 8x³ हो गया, 3 * 9 = 27y³, 3 * 9 = 18xy और ये 2x + 3y के बदले लिख सकते हैं 8। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 8³ बराबर 8 × 8 × 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 * 8 = 64, 8 * 8 = 512। तो यहाँ से ध्यान देंगे, ये 18 * 8 ये हो गया, ये xy, तो xy का मान क्या रखना है, 2। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका 18 × 2 × 8 बराबर 288, ये 512 हो गया। 288 को पक्षांतर करेंगे तो 512 में 288 गया 224। तो इसी का मान निकालना है, देखिए 8x³ + 27y³, तो इसका मान है 224, ये इसका उत्तर है। अगला देखेंगे, रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात 4:5 है, 12 वर्ष पश्चात अनुपात 5:6 हो जाएगा, सुरेश की उम्र है। तो देखिए ये 4:5 है तो उसको 4x लिख लेंगे और 5 है तो 5x लिख लेंगे। 12 साल बाद बोल रहे हैं इसने, दोनों में +12 + 12 कर देंगे, दोनों में ये 12 इस प्रकार जोड़ देंगे तो बराबर 5/6। तिरिया गुड़ा होगा ऐसे और ऐसे, तो 6 * 24 6 × 12 = 72, 5 * 5 = 25, 5 × 12 = 60। तो 25x हो गया, 24 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 72 हो गया, 60 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 72 में 60 गया 12, 25 में 24 गया x। तो x बराबर 12 आ गया, चूंकि हमको सुरेश का निकालना है तो सुरेश का क्या माने हैं, 5x। तो 5x तो 5 × 12 और 12 * 5 = 60। अगर रमेश का बोलता है तो 4x, तो 4 × 12 = 48। अगला, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 600 मीटर है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, 300 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान देंगे, जैसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का गुणा करेंगे, तो 18 * 4 = 72 और 5 * 4 = 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब ध्यान देंगे, वो पार कर रहे हैं सुरंग को, तो 600 मीटर क्या है, ट्रेन की लंबाई है, 300 मीटर सुरंग की लंबाई, तो 6 * 3 = 900 मीटर हो जाएगा। तो कुल दूरी हो गया 900 मीटर, चाल हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो हमको क्या निकालना है, समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना हो गया 900 और चाल कितना हो गया 20, इसको कटा देंगे 0 0, 2 से 90 को भाग देंगे तो 45 सेकेंड इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि 60 पुस्तकों का क्रय मूल्य 40 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा। तो इसका हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला है x - y / y × 100। इसको x मान लेंगे 60 को, इसको y मान लेंगे 40 को, तो 60 - 40/40 × 100, 60 + 40 = 20, 20/40 × 100, तो हो जाएगा आपका 20 * 20 = 40 और 2 से 100 को भाग देंगे तो 50% इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एवं 13 सेंटीमीटर है, विपरीत शीर्ष से 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। तो पहले त्रिभुज बनाना है, तो त्रिभुज में ये 5 हो गया आपका, 12 हो गया और नीचे वाला क्या हो गया 13, विपरीत डाला है, तो ये ए डी क्या है, इस पर लंब डाल दिए। अब ध्यान देंगे, ए बी डी यहाँ इतना को आप देखेंगे, देखिए ऐसे ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, चूंकि लंब डालते हैं तो समकोण त्रिभुज हो जाता है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो कर्ण इसका क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर, लंब क्या है एडी, तो एडी का स्क्वायर, आधार को एक्स माने हैं, जैसे कुल 13 है, बीसी का मान कुल 13, तो इसको आधा आधा बांटे हैं, बीडी को एक्स माने हैं और डीसी को 13 - एक्स माने हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स एक्स कट जाए, कितना आएगा 13 आएगा, तो उसको हमने माना है एक्स और 13 - एक्स।
तो इस प्रकार ए डी का स्क्वायर हो गया 5 पंचे 25, एक्स को पक्षांतर किए तो हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ए डी का स्क्वायर हो गया। अब फिर इधर को लेंगे इतना को ए डी सी, तो इसमें कर्ण होगा आपका क्या 12, लंब ए डी ही रहेगा और डी सी क्या हो जाएगा 13 माइनस एक्स हो जाएगा। तो फिर से इसमें फार्मूला लगाना है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण हो गया 12, लंब ए डी, आधार हो गया 13 माइनस एक्स पूरे के घात 2, तो 12 में 12 में 144, ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है, कहाँ से लिखना है ये अभी लाए थे ये वाला, ए डी का स्क्वायर की जगह 25 माइनस एक्स का स्क्वायर उसी को यहाँ लिख दिए। 13 माइनस एक्स इसको दो बार लिख के गुणा कर सकते हैं या ए माइनस बी पूरे घात 2 का फार्मूला लगा सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 13 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए का मान 13, तो 13 दूनी 26 एक्स, इसमें फार्मूला लगा, या आप 13 माइनस एक्स को दो बार लिख के गुणा कर सकते हैं तो भी उत्तर आ जाएगा ऐसे। यहाँ से देखेंगे आप कितना हो गया ये 144, ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखिए प्लस और माइनस कट गया, 25 का 25, 13 का स्क्वायर होता है 169, ये माइनस 26 एक्स, 169 और 25 को जोड़ेंगे 194, ये 26 एक्स वैसी रहेगा, तो 26 को इधर लाए हैं तो माइनस उल्टा प्लस, 144 को इधर लाए हैं तो प्लस उल्टा माइनस, तो 194 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 50 बचेगा, एक्स का मान निकालेंगे 26 आएगा इसके नीचे, इसको कटाएंगे तो दो से कटाएंगे, 2 25 50, 2 13 26, तो एक्स का मान आ गया 25/13। तो यहाँ पर अभी उत्तर नहीं आया है क्योंकि हमको निकालना है लंब, जो ये ए डी का स्क्वायर है ना, ये ए डी का मान निकालना है, तो ए डी का स्क्वायर बराबर देखिए यहाँ पर क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान यहाँ रखेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए ये हो गया आपका ए डी का स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान आया 25/13, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 13 का स्क्वायर 169, यहाँ से तिरिया गुणा करेंगे 25 और 169 का 4225 होगा, माइनस 625/169, दोनों को घटाएंगे 3600 होगा बटा 169, अब 3600 को हम 60 लिख सकते हैं, 169 को 13, तो 60 गुणा 60 लिख सकते हैं, तो 60 के स्क्वायर 3600, 13 के स्क्वायर 169, तो यहाँ से वर्ग और वर्ग कट जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा 60/13 इसका उत्तर आएगा, क्लियर हुआ। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 160 सेंटीमीटर है, यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 60 सेंटीमीटर है तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ध्यान देंगे समचतुर्भुज मतलब वर्ग ही है, वर्ग से समचतुर्भुज बनता है, तो यहाँ से देखिए वर्ग का परिमाप 4a होता है, तो 4a बराबर लिखेंगे 160, तो a का मान हो जाएगा 4 का भाग देंगे तो ये 40 हो जाएगा, a का मान हो गया। यहाँ समचतुर्भुज बनाए हैं, देखिए a b c d ये विकर्ण है, तो इसका प्रत्येक भुजा 40 है, ये 40 ये 40 ये भी 40 सब 40 होगा इसका। अब विकर्ण की लंबाई 60 दिया है, तो ध्यान देंगे 60 दिया है तो इसको 30-30 इस प्रकार आप लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों समान होता है, समचतुर्भुज में क्या होता है जैसे ये और ये समान होता है विकर्ण, तो 60 है तो उसको 30-30 कर देंगे, और याद रखेंगे समचतुर्भुज में ये समकोण बनाता है, 90 अंश का बनाता है, क्लियर है। तो इस प्रकार इसमें पाइथागोरस प्रमेय फिर से लगाएंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इतना को लेंगे, यहाँ से एक साइड को लेंगे ए बी ऐसे करके लेंगे, तो जैसे ये हो गया बीच को ओ मान लेंगे, तो यहाँ लेंगे इस प्रकार ओ ए बी, तो देखिए ये 40 है ये 30 है, नीचे को नीचे ओ बी हो गया, तो फिर से ये समकोण है तो ये कर्ण कौन हो जाएगा ए बी मतलब 40, तो इस पाइथागोरस प्रमेय लगाना है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 40 का वर्ग बराबर 30 का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग, तो 40 का वर्ग 1600 होगा, 30 का वर्ग 900, पक्षांतर किए तो माइनस हो जाएगा, 16 में से 9 गया 700, तो ओ बी का मान निकालेंगे तो ये वर्गमूल हो जाएगा, तो 700 को 10 दहम 100 सत्ते 700, तो 10 जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा, तो ओ बी का मान हो गया 10/7। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हमने ये आधा को निकाला है इतना, अब बताया था ये दोनों जस्ट डबल होता है, तो ये कितना है 10/7, तो हम पूरा बी डी का निकालेंगे तो इसमें 2 का गुणा करेंगे, तो 2 दहम 20/7 हो जाएगा ये, तो इस प्रकार इसमें बी डी का निकाले हैं तो 2 से गुणा कर दिए तो 20/7 हो गया। अब समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 d1 / d2,
तो 1/2 हो गया। D1 मतलब विकर्ण पहला, तो विकर्ण पहला प्रश्न में दिया है 60 और ये विकर्ण दूसरा हम लोग निकाले हैं 20 करनी 7, तो इसको कटा देंगे, ये हो जाएगा आपको 2 एकम 2, 2 दहम 20 और 60 दहम 600 करनी 7 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ध्यान देंगे उत्तर में कितना दिया है, 300 करनी 7 दिया है, तो यही क्या होगा इसका उत्तर होगा। वृत्त का क्षेत्रफल जिसमें उत्कीर्ण वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का सवाल टेट में और पूछा जा चुका है, ये रिपीट हुआ है, इसी टाइप का है। तो यहाँ पर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो वृत्त बनाएंगे इसके अंदर वर्ग बनाएंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 144 और वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर या ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये वर्ग वर्गमूल हो गया, तो 144 का वर्गमूल होता है 12, तो ए का मान 12 आ गया, तो वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर होता है तो सब 12 हो जाएगा, ये भी 12 ये भी 12 ये भी 12। अब हम निकालेंगे इसका विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण तो वर्ग का विकर्ण होता है 1 करनी 2, ए का मान 12 है तो 12 करनी 2। अब विकर्ण हो गया मतलब ये क्या हो गया, व्यास हो गया, किसके लिए, वृत्त के लिए, तो वृत्त का व्यास बराबर 12 करनी 2, तो व्यास हो गया 2r, तो 2 से भाग देंगे तो r बराबर होगा 6 करनी 2। हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का पाई हो जाएगा, आर के बदले 6 करनी 2, तो 6 करनी 2 का स्क्वायर, तो 2 बार लिख सकते हैं 6 करनी 2 गुणा 6 करनी 2, तो 6×6=36, करनी 2 का 2, तो 36×2=72 पाई इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, कमरे की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है तथा ऊंचाई 4 मीटर है, तब फर्श का क्षेत्रफल, तो ये क्या है, चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ये पार्श्व पृष्ठ है, क्लियर है, तो पार्श्व पृष्ठ हो गया इसका किसका, घनाभ का, कमरा घनाभ के आकार का होता है, तो घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठ होता है पीछे वाले को पार्श्व पृष्ठ बोलते हैं, उसका फार्मूला होता है 2h + l + b, तो l माने लंबाई हो गया, b माने चौड़ाई, h माने ऊंचाई, प्रश्न बोला है लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, तो l बराबर हो जाएगा 2b प्रश्न अनुसार, और h का मान पहले से दिया है 4 ऊंचाई, तो देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल 216 हो गया, ये 2h के बदले लिखना है 4, l के बदले लिखना है 2b और b का b, 2×3 b हो गया, 4×2=8 हो गया, 8 दिया कितना होगा 24 b, या फिर 216 हो गया, 8×3 पक्षांतर किए तो नीचे में आ गए, तो इसको कटा देंगे, तो इस प्रकार इसको हल करेंगे आप कटाएंगे, हो जाएगा 8×2=16, 5 बचेगा 8×7=56 हो जाएगा और 3×9=27 हो जाएगा, तो इस प्रकार b बराबर कितना आएगा 9, तो l का मान निकालेंगे तो l बराबर 2b है, तो 2×9 तो ये 9×2=18, तो लंबाई हो गया 18, चौड़ाई हो गया 9, प्रश्न बोला है फर्श का क्षेत्रफल, तो फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 18×9 तो 18×9=162, ये क्या है इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया है 2:3:4, तो सिंपल सा है 2x + 3x + 4x = 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो 9x = 180, x का मान निकालेंगे तो 9 से भाग देंगे तो 9×2=18 मतलब x = 20, चूंकि बोला है सबसे बड़ा कोण, तो बड़ा कौन है 4, तो 4 से 20 को गुणा कर देंगे तो 20×4=80 इसका उत्तर होगा। फिर दिया देखिए एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो लंबवृत्ति बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ से ये बेलन है, तो बेलन में क्या हो जाएगा ऊंचाई, तो ये ऊंचाई हो गया आपका 12, व्यास दिया 14, तो त्रिज्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 14 है तो उसका आधा 7, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr h + r, 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान 7, फिर कोष्टक में एच का मान 12, आर का मान 7, तो 7 से 7 आपका कट जाएगा यहाँ पर, और 2×22 बचेगा और 12×7=19, तो सबको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 836, तो इसका उत्तर कितना है 836 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है एक आयत के कर्ण उसकी एक भुजा से 2 गुना है, आयत की भुजाओं का अनुपात है, देखिए आयत का कर्ण, अब यहाँ से हम आयत बनाएं तो हम मान लेते हैं चौड़ाई को x और लंबाई को y, अब ये इसका कर्ण है, तो कर्ण किससे, एक भुजा की 2 गुना, मान लीजिए हम x का 2 गुना लेते हैं तो क्या हो गया
दो एक्स हो गया कौन इसका कर्ण। तो यहाँ पर ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण हो गया दो एक्स, तो दो एक्स का वर्ग हो जाएगा और लंब हो गया यहाँ पर हम ले लेंगे इसका क्या हो जाएगा एक्स, तो एक्स स्क्वायर, आधार हो गया वाई, तो वाई स्क्वायर, तो दो दूनी चार एक्स स्क्वायर, एक्स को पक्षांतर किए तो माइनस हो गया, तो चार में से एक गया तीन एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, तो वाई कहाँ जाएगा इसके नीचे और तीन कहाँ जाएगा इसको इस प्रकार लिख सकते हैं तीन एक्स का वर्ग बटे एक लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बटे क्या लिख सकते हैं एक, तो वाई इसके नीचे आएगा और तीन कहाँ आएगा इसके नीचे आएगा, तो इस प्रकार एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर एक बटे तीन, वर्ग है तो इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा एक का वर्गमूल एक और कर्णी तीन वैसा ही रहेगा, तो एक अनुपात वाई बराबर एक अनुपात कर्णी तीन। अगला प्रश्न है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप कर्णी दो प्लस वन है तब उसके विकर्ण की लंबाई होगी। तो यहाँ पर देखिए ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज मतलब समकोण त्रिभुज बनाने हैं, दो भुजा बराबर है, यहाँ पर देखिए ये दो भुजा क्या कर दिए हैं बराबर, तो इसको एक्स है तो ये भी क्या होगा एक्स होगा। अब ये वाला कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो फिर फार्मूला लगाएंगे सेम कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो लंब हो गया एक्स तो एक्स का वर्ग, आधार हो गया एक्स एक्स का वर्ग, समद्विबाहु माने दोनों बराबर, तो ये कितना हो गया दो एक्स का वर्ग होगा, कर्ण का मान निकालेंगे तो ये वर्गमूल हो जाएगा, तो ये कर्णी दो रहेगा, एक्स वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो एक्स हो जाएगा, तो कर्ण कितना आ गया कर्णी दो एक्स। अब इसका परिमाप बोला है तो परिमाप मतलब सबको जोड़ना है, तो एक्स प्लस कर्णी दो एक्स तीनों को जोड़ेंगे तो एक्स और एक्स टू एक्स हो गया, ये कर्णी दो एक्स हो गया। परिमाप पहले से कितना दिया है कर्णी टू प्लस वन, तो परिमाप के बदले लिखना है कर्णी टू प्लस वन। ये जो दो एक्स है तो दो को आप दो बार कर्णी दो लिख सकते हैं, बाकी सब सेम है, दोनों में से कॉमन निकाले हैं कर्णी दो एक्स, तो यहाँ पर बचा कर्णी दो और यहाँ पर बचा एक। कर्णी दो एक्स हो गया, इसको पक्षांतर किए तो इसके नीचे आ गया, दोनों एक जैसे इसलिए कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका एक, एक्स का मान निकालें कर्णी दो नीचे, तो एक्स बराबर होगा एक बटे कर्णी दो। देखिए अभी उत्तर नहीं आए, इसमें क्या पूछा है प्रश्न में विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण क्या है आपका देखिए कर्णी दो एक्स, तो एक्स में आप मान रखेंगे इसमें तो उत्तर आएगा, तो इसका विकर्ण हो गया आपका देखिए ये विकर्ण दिया है कितना कर्णी दो एक्स, तो एक्स के बदले लिखेंगे एक बटा कर्णी दो, यहाँ पर कर्णी दो कटेगा तो उत्तर कितना आएगा एक। अगला प्रश्न है एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर, सी डी 15, डी ए 7 सेंटीमीटर, बी डी 9 सेंटीमीटर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार इसको लिख लेंगे ए बी सी डी, तो देखिए ए बी का मान 6 तो यहाँ 6 लिखे, फिर बी सी का मान 12, सी डी का मान 15 और डी ए का मान 7, यहाँ विकर्ण बनाए कितना हो गया 9। तो इसमें दो ठो त्रिभुज बन रहा है, तो दो ठो त्रिभुज बना है तो इसका होता है देखिए पहले लेंगे इतना को, ये वाला को ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी में एस मतलब अर्ध परिमाप होता है, तो जैसे ये ए बी डी आया है ना, यहाँ पर जैसे ये ए बी डी इतना को ले रहे हैं तो अभी इतना को आप भूल जाए, तो यहाँ पर देखिए ये 6, 7, 9 इसको ए बी सी आप मान सकते हैं, तो अर्ध परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे दो, तो यही 6 + 7 + 9 / 2, तो जोड़ेंगे तो 22 और 22 में 2 का भाग दिए तो ये हो गया एस बराबर 11। तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कर्णी एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो एस का माना है 11 और यही ए बी सी माने हैं, तो ये 6 हो गया, ये 7 और ये 9, इसी को घटा देना है, तो 11 हो गया और 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 5, 11 में से 7 घटाएंगे कितना होगा 4, 11 में से 9 हो गया 2। तो इस प्रकार इन सब का गुणा करेंगे, अगर जोड़ा बनता है तो बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें सबका जोड़ा नहीं बन रहा है इसलिए इसको गुणा कर दिया हूँ, तो 440 होगा और 440 को आपको भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, भाग विधि से 440 का वर्गमूल निकालेंगे, इस प्रकार 440 है तो जैसे ये 2 है तो 2 दूनी 4 ऐसे करके निकालेंगे तो कट जाएगा, फिर इसमें 2 जुड़ता है तो 2 और 2 कितना हो गया 4, फिर इस 40 को उतारेंगे यहाँ 0 लेंगे, 40 सुनम 0, तो कितना आ गया 20 आ गया,
और इसको आगे हल करेंगे तो 20.98 आएगा, भाग विधि से हल करेंगे तो इसका क्षेत्रफल आया 20.98। अब से अब इतना को निकालना है बी डी सी। अब इसमें किसको लेंगे, 9, 12 और 15 को लेंगे, सेम प्रोसेस ए प्लस बी प्लस सी बटे दो फिर से करेंगे तो 12 प्लस 15 प्लस 9 बटा 2 करेंगे तो ये 36 होगा, 36 बटे 2 बराबर 18। अब एस का मान 18 आया, अब इन सबको घटा देना है तो 18 में से एक बार 9 घटाएंगे, 18 में से 12 घटाएंगे, 18 में से 15 घटाएंगे तो ये सेम प्रोसेस है। तो इस प्रकार ये 18 हो गया, 18 में से 12 गया कितना आएगा आपका 6, 18 में से 15 घटाएंगे 3, 18 में से 9 गया 9। तो देखिए इसमें जोड़ा बन रहा है इसलिए गुणा नहीं किया हूँ, उसमें जोड़ा नहीं बन रहा था इसलिए उसको भाग विधि से बनाए हैं। तो 9 दुनी 18 और ये हो जाएगा आपका 2 3 6, 3 का 3, 9 का 9, तो 9 का जोड़ा बन रहा है बाहर निकल जाएगा, 2 का जोड़ा बन रहा है बाहर निकल जाएगा, 3 का जोड़ा बन रहा है बाहर निकल जाएगा, 9 दुनिया 18, 18 3 54। तो ये हो गया इसका 54 आया। अब दोनों को जोड़ देना है, दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ना है क्योंकि क्या बोला है चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोला है और हमने त्रिभुज त्रिभुज का अलग से निकाला। तो यहाँ पर आपका आया देखिए ये इसका आया 20.98 और इसका आया 54, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 74.98 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न, यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयतन, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 6a² तो बराबर 1176, 6 से इसको भाग देंगे तो आपका आएगा 196 और 196 को 14×14 लिख सकते हैं तो ए स्क्वायर है तो वह ये कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर कट जाएगा तो ए बराबर 14 सेंटीमीटर। घन के आयतन का फार्मूला होता है 1³, तो ए का मान 14 तो 14³ मतलब 14×14×14 इसको गुणा करेंगे तो 2744 घन सेंटीमीटर इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का माध्य है तो पहले इसका योग निकाल लेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 लगातार 50 तक लिखेंगे तो उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो पहले योग निकालने का फार्मूला है क्योंकि उसको जोड़ेंगे दो टाइम लगेगा तो इसका होता है n n+1/2 तो n का मान 50 तो 50 कोष्टक 50+1/2 तो 50×51/2 2 से कटाएंगे 2 25 50 तो 50×51 करेंगे 1275, मतलब 1 से लेकर 50 तक गिनती क्रम से लिखेंगे और उसको जोड़ेंगे तो 1275 आएगा। अब चूंकि माध्य निकालना है तो 50 है तो 50 से उसको भाग देना पड़ेगा तो 1275 को 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा 25.5 आएगा। अगला प्रश्न है, ये पाई चार्ट दिया है, कुल अंक दिया है 720, इसमें हमको गणित का प्राप्त अंक तो गणित में 96 डिग्री दिया है तो उसको अंक में बदलना है तो इसका फार्मूला है थीटा बटे 360 × कुल अंक, तो थीटा मतलब कोण तो 96 अंश दिया है तो थीटा के बदले 96 लिखेंगे बटा 360 कुल अंक 720 तो इसको कटा देंगे 0 0 कट जाएगा 36 कम 36 36 × 72 तो 96 दिनों होगा 192 गणित का अंक है, कोण के रूप में दिया है उसको अंक के रूप में बदलना है। अगला प्रश्न है, पाई चार्ट दिया है, देखिए इसमें 25 से 34 उम्र और 35 से 44 का व्यक्तिगत आय का अनुपात, ये दो ठोकों में लिखा है तो दोनों का अनुपात निकालना है। पहले इस प्रश्न में दिया 100% = 2499.4 तो ये लिख दिया 25 से 34 और 35 से 44 तो यहाँ से जो 2499.4 दिया है तो इसका गुणा 24/100 कर देंगे बटा 2499.4×20/100 क्योंकि इसका 20% है 24% है 2499 कट जाएगा नीचे 100 कट जाएगा तो 24/20 4×6=24 4×5=20। अगला प्रश्न है, ये 10वीं का सवाल है, समांतर माध्य आंकड़ों का समांतर माध्य यहाँ से ये दिया है, ये वर्ग अंतराल दिया है, विद्यार्थियों की संख्या ये प्रश्न में है। अब एक्स्ट्रा में आपको करना पड़ेगा एक्स और एफ एक्स तो ये तो एफ का मान है। अब यहाँ देखिए एक्स कैसे निकालेंगे तो ये 0 और 20 को जोड़ेंगे तो 20 होगा, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 10, फिर 40 और 20 को जोड़ेंगे तो 60 होगा, 60 में 2 का भाग देंगे 30 होगा, 40 और 60 को जोड़ेंगे 100 होगा, 100 में 2 का भाग देंगे 50 होगा, 80 और 60 को जोड़ेंगे 140 होगा, 140 में 2 का भाग देंगे 70, 100 और 80 होगा उसमें 2 का भाग देंगे 90। क्लियर हुआ, तो इस प्रकार ये x का मान आया है। फिर अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 × 20 12×30 करेंगे 360, 13×50 करेंगे 650, 15×70 करेंगे 1050, 8×90 करेंगे 720।
क्लियर। तो इसका फार्मूला होता है समांतर माध्यिका सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स इन सब को जोड़ेंगे तो 2800 आएगा, सिग्मा एफ इन सब को जोड़ेंगे तो 50, तो दोनों को कटा देंगे तो इस प्रकार आपका आएगा 56। आपका अंतिम प्रश्न है, देखिए यहाँ पर ये दिया है जनसंख्या, किस देश की जनसंख्या दर जर्मनी से 25% अधिक है। तो यहाँ ध्यान देंगे जो ये इंग्लैंड 20 है और इसका कितना है 16 है, तो ये हो जाएगा आपका 20 में से 16 घटाएंगे, किससे बोल रहा है जर्मनी से, जर्मनी को लिखेंगे नीचे में, तो 16 गुणा 100, तो 20 में 16 गया 4, 4 बटे 16 गुणा 100, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 से 100 घटाएंगे तो 25, तो 25% किस में आए हैं इंग्लैंड में, तो इस प्रकार इसका उत्तर कितना हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा। तो ये सब इनका एकदम सही सही उत्तर है हल सहित। देखिए और जैसे इसमें आपको आपको देखना है तो ये वाला आपका है 1540, ये आपका ऑप्शन डी वाला है, यहाँ से देखेंगे तो आपका ये वाला है इसका ऑप्शन ए, इसमें आपका ऑप्शन सी, इसमें है ऑप्शन सी 224, इसमें आपका ऑप्शन सी 40%, इसका है आपका 60 वर्ष, इसमें आएगा आपका 45 सेकेंड, ये आ जाएगा आपका 50%, इसमें आएगा आपका ऑप्शन ए, इसका हो जाएगा आपका ये ऑप्शन डी, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 72 पाई, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी 162, इसका होगा आपका ऑप्शन बी 80, इसका हो जाएगा 836 ऑप्शन बी, इसका आएगा आपका 1:3 ऑप्शन सी, इसमें आएगा आपका 1, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसमें होगा ऑप्शन ए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 56, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इंग्लैंड। इस प्रकार ये रहा गणित वर्ग 2 का हल सहित उत्तर।